हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5 में से आने वाली सिर्फ एक शिकायत जो है वो ऐसी होगी जो आपके डोमेन में आती है। आप बोलेंगे फिर ये सब कवायद करने की जरूरत क्या है, अगर एक ही कंप्लेंट आती है। ये एक आपका पब्लिक तक पहुंचने का बहुत बड़ा जरिया है, आपकी रीच बढ़ा देता है। शिकायत क्या आएगी, आप कैसे कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, वो सब चीजें आपकी मॉडलिटी पे बाद में डिपेंड करेगी, बट आप पे रीच मिली, आप पे पब्लिसिटी मिली, वो बहुत जरूरी है। हेल्पलाइन हैज गिवन अस ह्यूज पब्लिसिटी, आवर एक्टिविस्ट्स हैव डन मोर देन 90 डिस्प्लेज ऑफ हेल्पलाइन एट रेलवे स्टेशन। ये अब तक 140 हो चुके हैं, ये हम लोग करीब करीब इफ नॉट डेली ऑल्टरनेट डे हम लोग हर बुरी जगह पर खड़े होकर के एक अपना शाम का ये कार्यक्रम 2 घंटे का जरूर करते हैं, और वहां पर उसके लिए कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें 15-20 लोग सिर्फ खड़े होते हैं, एक पैनल हाथ में लेकर के हम ये हेल्पलाइन चला रहे हैं, आप इसकी मदद लीजिए अगर आपको कोई तकलीफ है। वहां पर हम लोग डोनेशन भी जमा करते हैं, कभी कभी चंदा भी मांगते हैं पब्लिक से, जो भी कर सकते हैं, जब लोग खड़े हैं तो जो भी करना है आपको आप वहां पे कर सकते हैं। इन सम इवेंट्स दे हैव कलेक्टेड फंड्स आल्सो फॉर दिल्ली इलेक्शंस, द दिल्ली इलेक्शन दे पब्लिक रेस्पॉन्स हैज बीन वेरी गुड, वी हैव शेयर्ड हेल्पलाइन डेमो विद सूरत, बैंगलोर, अंबाला, हैदराबाद, अहमदाबाद, आप गुजरात हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड इट हेल्पलाइन एक्सक्लूसिवली फॉर फार्मर इश्यूज, उन्होंने शेयर करी कि हेल्पलाइन आप गुजरात में लॉन्च कर दी है, वो ऑपरेटिव है। और अभी जो लास्ट ऐसी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने प्रपोज किया था कि एक हेल्पलाइन, हमने संवाद यात्रा निकाली थी वो आप सब लोगों को मालूम होगा, तो हमने प्रपोज किया कि मराठवाड़ा में नांदेड़ से और विदर्भ में नागपुर से एक क्षेत्रीय हेल्पलाइन हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में जब सिंदकेट राजा में मीटिंग हुई थी तो उस समय कम से कम 50 से ऊपर एक्सपर्ट क्षेत्रीय समस्याओं के लोग हमारे बीच में थे, तो हमें उनके एक्सपर्टीज का फायदा किसानों को दिलवाना चाहिए। उनमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको कैसे कर्ज मिले, आसान कर्ज मिले, बैंकों से कर्ज मिले, उनकी जो बीज मिलता है वो उनको कहां से मिले, उनकी जो और एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे किसी ने पता लगाया कि जो फर्टिलाइजर यूज होता है, जो ये अपना खाद डालते हैं उसके अंदर, वो फर्टिलाइजर के अंदर 8% मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो उस मॉइस्चर कंटेंट का पैसा भी किसान को देना पड़ता है, जबकि मॉइस्चर तो पानी है, वो तो किसी काम का नहीं है, मगर इस तरह से उन लोगों का बहुत शोषण जो है वो हो रहा है। तो हम 2 हेल्पलाइन के बारे में वहां पर भी सजेस्ट कर चुके हैं, सूरत में हेल्पलाइन उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, बैंगलोर में मैंने दिया था, बैंगलोर हैदराबाद में भी मैंने इसका दिया था, क्योंकि मैं हैदराबाद का आंध्रा का ऑब्जर्वर था, उन लोगों को भी मैंने बताया था, वहां पर अभी पार्टी की बहुत इस संवाद के नाम पर थोड़ी समस्या है, वैसे जब भी स्टेबलाइज होंगे तो शायद वो लोग भी चालू कर देंगे। मैं आपको और थोड़े एक्सपीरियंस की चीजें मैं बता देता हूं, ये सच है कि सिर्फ 20% शिकायतें जो है वो उस फ्रेमवर्क में आती है जिसके लिए हम लोग हेल्पलाइन शुरू करने वाले हैं, अधिकतर उसमें आपको जो फोन आएंगे मैरिटल डिस्प्यूट्स के, फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गल्फ जॉब्स जो ये फॉरेन जाते हैं उसमें लोगों को चीट करते हैं उसकी शिकायतें आपको मिलेगी, आपको प्राइवेट कंपनी पैसा नहीं देती है, जो वेजेस अटका लेती है, तनखा नहीं देती है, उसकी शिकायतें आपको बहुत मिलेगी, पॉलिटिकल माफिया की शिकायत मिलेगी आप कि ये फला पार्टी का गुंडा जो है वो यहां पर है और वो सबको हैरान करता है, भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं आप भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो आप भी आप तो उनसे आगे लड़ो यहाँ पे हमारे लिए आप उनसे हमारे लिए झगड़ा करो यहाँ पे आकर के, ये आपका रोल है, ये आपकी हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन का मतलब आदमी ये समझता है कि इनके पास हर चीज की हेल्प मौजूद है, कुछ भी काम आए हेल्पलाइन में फोन करो, ये थोड़ा सा लोगों में है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के इश्यूज मैंने बताया, वो चेयरमैन सेक्रेटरी के झगड़े, और FIRs हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही है तो हम क्या करें इसके लिए, आप उस पर हमारी मदद करिए। तो इसमें हम लोग अभी जाते नहीं है, मगर मैं सोच रहा हूं कि इसके अंदर हम लोग मुंबई के अंदर हमने अभी घुसना शुरू कर दिया है कि जहां पे FIR लॉन्च करने को मना करते हैं तो हमारे लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाते थे टोपी लगा करके कि भाई आप क्यों नहीं शिकायत दर्ज कर रहे हैं, और वो लोग हम लोगों की शक्ल देख करके उन्होंने काम करना पुलिस और ने भी थोड़ा शुरू किया है। तो ये हो गया एक FIR। डिमोल्यूशन जो ये तोड़ फोड़ कार्रवाइयां होती है इसके खिलाफ भी आपके पास में बहुत शिकायतें आएंगी, उसमें शिकायत ये आती है कि मेरी दुकान तोड़ दी सामने वाले की छोड़ दी,
इस तरह से ये भ्रष्टाचार हो गया। तो ये चीज रहती है एनक्रोचमेंट, लोगों ने घर आगे बढ़ा रखे हैं तो हमेशा पड़ोसी शिकायत करेगा कि मेरे बाजू वाले ने बढ़ा रखा है, आप देखो आकर के उसको, उसने 10 फीट आगे कर रखा है इसको, आप पकड़ो उसको, आप उसके बारे में शिकायत करो आकर के। तो दूसरा ये मुंबई के इशू है मैंग्रोव और इकोलॉजी, जो ये मैंग्रोव होते हैं ना उनको ये फ्लैग कर करके धानों के प्लॉट बना के बिल्डर लोग वहां टावर खड़े कर देते हैं। तो ये सब खत्म करने की जो कोशिश है इसके बारे में भी आप लोग लड़िए। और जो रिवर बेड होता है, जो नदी होती है, वो नदी के 150 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो बहुत सारी नदी के बीच में ही कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे आप। तो ये मुद्दे है वहां पर शिकायत के। अब आप बताएं आप लोगों के जो भी सवाल हो इससे संबंधित, जैसे मैं ओपन हूँ, मेरे मुझे कोई समस्या नहीं है, आप इससे बाहर के सवाल भी पूछो तो मैं जो कर सकता हूँ बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो ये मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपके लाइसेंस वगैरह जो होते हैं तो वहाँ पे कोई दलाल एजेंट्स होते हैं, तो जैसे अभी मान लीजिए कि मैं व्यस्त हूँ और मुझे लगता है मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो हम वैसे कोई वो एक तरह का उनका बिजनेस है, जो भी आदमी वहाँ खड़ा रहता है उसका वो बिजनेस होता है, तो वो बिजनेस होने के कारण से हम उसकी सेवा लेते हैं, तो इट इज नॉट भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कब होता है कि जब वो अधिकारी पैसा काम करने के, तो ये फर्क है ना, तो हम वैसे समझ में क्या करें। आपका नाम जान सकता हूँ? मैं पद्मा डॉक्टर। पद्मा देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए हम किसी मिडिल मैन को खत्म नहीं करना चाहते, ये मिडिल मैन है ठीक बात है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, बट दे शुड प्रोवाइड द सर्विस एट अ रीजनेबल कॉस्ट विद ऑनेस्टी। दिस इज वॉट शुड बी डन, आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइडियल प्रैक्टिस, टिल सच टाइम आई विल कंटिन्यू टू हेल्प माई कंप्लेनेंट। ठीक है, मैं जानता हूं उसके पेट पे लात मारने के नहीं मारना चाहिए, उसको भी एक धंधा करने का हक होना चाहिए, बट उसका सिस्टम जो है ना इट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क, ही कैन ऑलवेज रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए सर्विस प्रोवाइडर, ही कैन फिक्स हिज रेट्स कि मैं लाइसेंस का रिन्यूअल करवाने के लिए 750 रुपए लूंगा, मैं लाइसेंस बनवाने के लिए 1000 रुपए लूंगा, उस 1000 रुपए में कॉलेज की फीस, टेस्टिंग की फीस इतनी है, फॉर्म की फीस इतनी है, फॉर्म भरने की फीस इतनी है, स्पेसिफाई करके, और वो उस पैसे के ऊपर जो बनाए उसके ऊपर बाकायदा सरकार को टैक्स पे करे। इट शुड बी ए रजिस्टर्ड फॉर्म। ये जो धंधे होते हैं वो ये अंडर हैंड वाले लोग करते हैं जो एक्सप्लॉयट करते हैं। हम एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, नहीं वही बोला हूँ, हम एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद वडाला आरटीओ से पनवेल में ट्रांसफर होना, मैं वहां पर गया, मैं बिल्कुल लेबर की तरह बात करता हूँ, क्योंकि मुझे तो तजुर्बे इस चीज के है, मैं खुद जाके देखता हूँ कि कौन किस तरह काम करता है। मैं बाहर गया तो मेरा और मेरी मिसेज का लाइसेंस था, दोनों का एनओसी चाहिए था हमें कि पनवेल में दे दो ताकि हम ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करवा लें। मैं उसके पास गया, मैंने कहा फॉर्म कितने का, बोला फॉर्म तो 2 रुपए का है, ले लीजिए फॉर्म। मैंने कहा भाई 2 केस है, दोनों का हमें एनओसी चाहिए और वहां पनवेल में मुझे करवाना है रिन्यूअल का, कितने पैसे आपको देने होंगे? तो सर 400 रुपए लगेंगे, 800 रुपए दे। तो ऐसा इसके अंदर कौन सा कोई ये खर्चे में कोई अंदर के पैसे है या बाहर के पैसे, आप उस चक्कर में पड़ो मत, आप तो मुझे बस 800 रुपए दो और कल शाम को आओ और अपनी एनओसी ले जाओ, आपको कुछ करने की और जरूरत नहीं। मैंने कहा यार ये तजुर्बा तो मैं अपने आप ही करके दे दूंगा। मैंने कहा भैया 2-4 रुपए दो, आपके 2 फॉर्म मुझे दे दो। दोनों फॉर्म मैंने भरे और मिसेस तो ऑफिस गई हुई थी तो उसके सिग्नेचर मैंने कर दिया, वो मैं कर लेता हूँ अच्छे तो वो कर लिया, और जो डॉक्यूमेंट लगाना था उसके सेट में वो लगा दिया और मैं सीधा अंदर गया। वहां पे ARTO जो होता है वो ऑथराइज होता है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, वो थे मिस्टर चौहान करके। तो चौहान साहब के केबिन के बाहर दलाल लोगों की लाइन लगी रहती है हर एक के हाथ में, आप यहां भी जाओ यही होगा, वहां पे हर एक आदमी 10-10, 15-15 फॉर्मों के गड्ढे लेकर के खड़ा होगा, सब लाइन में खड़े रहते हैं और बहुत ईमानदारी से खड़े होते हैं, क्योंकि वो बेईमानी का धंधा सबसे ईमानदारी से होता है, उसका रेट है हर चीज का, 10 फॉर्म का 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए साहब लेंगे और 50 रुपए के हिसाब से बाबू लोग लेंगे, एक रसीद बनाने वाला 20 रुपए की रसीद बनती है, वो 20 रुपए काउंट हो गया उसके अंदर, वो हर एक का रेट, दिस इज कॉल्ड
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। रामपेल कंपनी में मैं था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 28 साल तक मैंने काम किया। तो जो डिपो होते हैं उसमें जो चीफ मैनेजर होता है और जो सबसे नीचे का क्लर्क होता है, उन सबका परसेंटेज पैसे में रहता है, ठेकेदार के बिल की पेमेंट में। ये 0.01% है, ये 0.5% है, ये 1% है, ये 2% है। और अफसर कागज लेके भागता है खुद। आप देखो ये काम जो है बहुत तेजी से होते हैं, वहां पे आपका काम कभी डिले नहीं होगा, क्योंकि एवरीबडी इज लुब्रिकेटेड, ग्रीस्ड, उसको अपना पैसा मिल गया है। तो वो पैसा काम करके अगला ग्राहक देखेगा ना, बैठा थोड़ी रहेगा अपने काम के लिए, आपका काम हो गया, जाओ आप नेक्स्ट मैन। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं अपना फॉर्म लेके आया हूं और मैं बगैर लाइन के अंदर जाऊंगा, क्योंकि मेरा सिंगल फॉर्म है और तुम सब ये 10-15 की थप्पी ले गया खड़े हुए, आप विश्वास करो, सारे साइड बैठ गए। बोले आप देखो, मैं अंदर गया, अंदर जाकर के मैंने उनको एआरटीओ साहब को दो फॉर्म जो है वो दे दिए। मैंने कहा सर, आई ब्रॉट दीज टू फॉर्म्स फॉर इशूइंग द एनओसी इन फेवर ऑफ मी एंड माई वाइफ फ्रॉम भडारा टू पनवेल एंड आई एम नॉट एबल टू पे एनी ब्राइब। सीधा उसकी आंख में देख करके आई यूज दीज वर्ड्स एंड आई कैनॉट पे एनी ब्राइब। यू नो व्हाट इज रिस्पॉन्स, मेरी आंख में देख के मुझे कहता है देयर इज नो नीड आइदर। आई वाज डिलाइटेड। अब जाओ तो सही अंदर, हम लोग जाते ही नहीं है, हम लोग इतना डर जाते हैं। वो बाहर तलाक पकड़ के भाई पकड़े यार, 400 नहीं 300 में तरह काम करा के दे, मुझे कैसे नहीं करते। मैं चक्कर एग्जैक्टली आप करेंगे, डू इट, फेस योर डे, एक दिन लगाइए इसके लिए, चाहे छुट्टी लीजिए ऑफिस से, अपने काम से या घर से, जो भी है। आज मैं इस सिस्टम से भिड़ के आऊंगा, आज मैं नहीं घर में बैठूंगा, आज मैं लड़ूंगा जाकर। और मैं लड़ने के लिए गया था, मैं आर्म था बिल्कुल, मैं कहा ये बोले उससे और मैं जवाब दू, फिर मैं अगली लाइन बोलने वाला था, यू आर पेड फॉर इट, यू आर सिटिंग हियर ऑन माय टैक्स। देयर इज नो नीड आइदर, साइंड बोथ फ्लैट 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर मैं उसके कमरे से बाहर आया, 2-2 रुपए बाहर जाकर के 20 रुपए की कंप्यूटराइज रसीद बनती है, वो 20 रुपए की उसने रसीद बना दी मुझे, कल शाम को 4 बजे आप आ जाना, नहीं फ्राइडे का बोली मंडे की सुबह को आप आ जाना, मंडे की सुबह को वहां पे गया जाके दोनों एमसी ले लिया आपने। और यहाँ पर पनवेल वाले तो खैर मुझे बिठा के चाय वाय भी पिलाते हो, उनके यहाँ मुझे कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता, वहां पर टोपी का इस्तेमाल ज्यादा ही हो जाता है, वो बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं और वो काम तुरंत करके देते हैं, तो अच्छे लोग हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जाइए, कोशिश करिए, ये होंगे काम, निश्चित रूप से होंगे। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर इट शुड बी लीगलाइज्ड, डू इट। आप जब आप लगाओगे ना ब्रेकअप, तो वो पैसा 250-300 रुपए से ऊपर नहीं आएगा। ये एक बड़ी मेथोडोलॉजी लानी है, इसके बारे में दे हैव गॉट एन एसोसिएशन, आप जाएंगे वहां पे, उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें बहुत चंदा डालते हैं वो, और उनकी एसोसिएशन के लोगों ने मुझसे कहा है कि आप आइए, आप हमारे रेट डिसाइड कर दीजिए आगे, आप आइए और हम आपके मतलब हम आपको पैटर्न बना देंगे। भैया मैं कितनी एसोसिएशन का पैटर्न बनू जाके, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर आप में से कोई जाओ सचमुच में वो आपको पैटर्न बना लेंगे अपना, क्योंकि वो भी इस 2 नंबर के धंधे से तंग आ चुके हैं। या अरविंद ने ये बात दिल्ली में कही है, जरा से कवर कर दें प्लीज, अरविंद ने ये बात दिल्ली में कही है कि आज का बिजनेसमैन अपना धंधा ईमानदारी से करना चाहता है, बशर्ते आप उसको क्लाइमेट दें, आप उसके टैक्सेस रेशनलाइज करें, आप उसके ऊपर इंस्पेक्टर राज ना चलाएं, आप उसके ऊपर आए दिन रेड ना मारें, आप उसको हैरान मत करें, वो काम करने को तैयार है, वो नहीं, वो किसी को लूटना नहीं चाहता, ये सच्चाई है। उन लोगों ने बोला कि आप हमारे बता, आप रेट फिक्स कर दीजिए, हम वही रेट चार्ज करेंगे सारे लोगों से, हमें नहीं लूट पाट में कोई इंटरेस्ट। और जो अफसर अंदर बैठे हुए हैं, मैं सच बताता हूं आपको, उन्हें भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं। लोगों में अब मैं ये देख रहा हूं, ये परिवर्तन 4 साल के बाद मुझे दिख रहा है परिवर्तन लोगों में। अब लोग बेईमानी, चोरी का, 2 नंबर का धंधा सरकारी अफसर करने में इंटरेस्ट इतना नहीं है जितना आज से 4 साल पहले हुआ था, अब नहीं, क्योंकि अब आप लोगों ने इतना माहौल बना दिया है उनके खिलाफ कि कल को अगर आप ये कह दें ये इंस्पेक्टर, ये
या ये अफसर ये घूस खोर है, ये रिश्वत खोर है, आप खड़े होकर वहां पे बोल दीजिए उसकी उसकी ऐसी हो जाएगी। लोग चाहते हैं अब मैं राष्ट्रीय ऑफिसर हूं भाई, अगर आप बोले ये मात्रे साहब ये चोर और बेईमान आदमी है, इन्होंने कल पैसे खाए हैं मुझसे, और आप ये सब पे कह सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, और उस आदमी का पानी पानी हो जाएगा। सोशल मीडिया लोगों में अब रिश्वत के लिए बड़ी नफरत फैल गई है, लेने वाले के भी और देने वाले के भी। सवाल सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप अपना हथौड़ा चलाते रहिए, डोंट गिव अप, भागिए मत हालात से, ठीक है, एक जगह काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी जगह ट्राई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो डोनेशन हो कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, चाहे वो आपका आरटीओ का काम हो, चाहे आपका रेशन कार्ड का ऑफिस का काम हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट के ऑफिस का काम हो, आप जाइए बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र बनाने के 200 रुपए आराम से लेते हैं, कोई भी ऑफिस में चले जाइए आप, जबकि मैं चाह रहा हूँ बच्चा पैदा होने का इस हॉस्पिटल का कागज भी लेकर के आता है, पता भी लेके आता है, सब कुछ लेके आता है, इसके बावजूद क्योंकि उसको समझ नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट जैसी चीज के अंदर लोग पैसा खाते हैं। मुझे मालूम है राजावाड़ी हॉस्पिटल के अंदर एक डेथ केस हुआ, एक एक्सीडेंट केस था, तो उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके गए पोस्टमार्टम के लिए, नेक्स्ट डे क्या होता है घर वाले जल्दी में होते हैं कि भाई एक्सीडेंट केस है, बॉडी मिले जल्दी से, हम क्रीमेशन करें, खत्म करें इसको, तो जो वार्ड बॉय होते हैं उनको वो बॉडी को स्ट्रेचर उस पर लेके आया, ट्रॉली के ऊपर बाहर लेके आया और इस आदमी से कहता है देखो तुम्हारा काम करवा दिया, जो जी में आए खुशी से दे दो। वर्ड्स आई हर्ड माय सेल्फ, मैंने अपने कान से सुने खुद, खुशी से दे दो। यंग डेथ, घर का नौजवान लड़का चला गया एंड स्टिल दिस फेलो एक्सपेक्ट्स कि आप पैसा दीजिए मुझे, खुशी से दे दो। इतना गिर गया, क्या हालत हो गई है, ये सच्चाई है जो हमने से हर एक को कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। दिस इज द रीजन वी हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट, हमें लड़ना पड़ेगा। और बोलिए, और एक इशू है कि जो ट्रैफिक चल रही है, जो रोड पर कैसे रोड वाइडनिंग हो रहे हैं, आज अभी भी चल रहा है, जैसे मैं करता करती हूँ वहाँ पे एकदम कर्नू में याद रिक्शा वालों की एक लाइन, हॉकर्स की बैठे हुए एक लाइन, फिर गाड़ी वाले एक लाइन, टेम्पो वाले एक लाइन, ऐसे करते हो कम से कम 30 फुट का रास्ता तो ये कर रहे थे, उस तरफ से करते, फिर पुलिस से मैं रुकती हूँ, भीड़ जाती हूँ, रोज एक उधर एक मैदान ऑफिस जाती हूँ, वहाँ पे रोज एक पुलिस दो पुलिस खड़े रहते, मुझे देखते थे दो बार टोपी पहनी जान पूछे तो सलाम ठोका, लेकिन होता कुछ नहीं है, तो टोपी को सलाम भी ठोका है। लेकिन सर अभी इसमें जो करप्शन मैं बोलता हूँ, ये मुद्दा ऐसा है, मैं आपकी आपसे पूरा सहमत हूँ और मैं आपके पूरा साथ हूँ, मगर ये लड़ाई विकास और विनाश वाली है। रेडिएशन टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, उनके रेडिएशन जो निकलते हैं वो फॉरेन में एक्सेप्टेबल लिमिट से 10 times है इंडिया के अंदर। बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर फैल रहा है बुरी तरीके से, कैंसर का मेन कॉज रेडिएशन है और ये टबाको कंजम्पशन है, तो फैल रहा है, मगर आप क्या करोगे उन लोगों को जो दबाने वाली एजेंसीज हैं, उनको सरकार बोलती है चुप रहो बोलो मत, हमें विकास करने दो, ये विकास नहीं भाई विनाश हो रहा है, उन्हें कंट्रोल करो, उनके रेडिएशन को कंट्रोल करो, उनके ऊपर जो पावर सिस्टम्स लगे हुए हैं उनको मॉडिफाई करोगे तो कॉस्ट आएगी, हाइट बढ़ाओगे टावर की तो कॉस्ट आएगी, वो लाइन देगा नहीं, वो एयरटेल देगा नहीं, तो आप क्या करोगे। ये आप जो बोल रही हैं, मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली के अंदर 60-60 फुट की कॉन्क्रीट सड़कें बनी हुई हैं। एक तो सबसे पहले लालची तो हम खुद हैं, पहले तो हम अपने अपने घरों को 10-10 फुट आगे बढ़ा लेते हैं, उसको बढ़ाने के बाद में उसके ऊपर 10 फुट का एक रेहड़ी वाला जो वो हॉकर होता है वो अपना ठेला लगा देता है, उसके बाद में ये जो ऑटो वाले और ट्रांसपोर्ट वाले
ये कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, वो 60 फीट की रोड 10 फीट की रोड रह जाती है चलने के लिए। अब आप क्या करोगे एज ए पोलिटिकल पार्टी, अगर आप अपोज करने को जाओगे तो आप सबको अपना दुश्मन बनाओगे, क्योंकि वो हॉकर जो है वो भी आपके वोटर है, जो ऑटो वाले हैं वो भी आपके वोटर है, और आप तो वोटर है ही है, आपने 10 फीट अपना आगे घर बना रखा है। ठीक है, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फ्लैट में भी यही काम है कि भाई 10 फीट का रूम है, आगे पैरापेट दी हुई है, फिर 2 फीट आगे सरकाओ, आगे दीवार उठालो और काम करवाओ। ये जो अन्ना जी का जो बोला था, मैं अन्ना जी को बार बार रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं पैदा होने के थॉट्स की वजह से हुआ था। सिर्फ 65% करप्शन जो है वो कानून से जा सकता है, लॉ से जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से जा सकता है, मगर 35% जो बचा हुआ करप्शन है वो सिर्फ तब जाएगा जब हम अपने दिल से सोचेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो नीड है या ग्रीड है, वो जरूरत है कि लालच है। बस अगर मेरा काम एसटी से चलता है और मैं एयर कंडीशन ढूंढ लू तो मेरा लालच है। ठीक है, वो थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि हम अपनी नीड्स को भी कंट्रोल रखें, अपने अपने आप को भी हम काबू में रखें, तब जाकर के आप दुनिया के करप्शन से लड़ पाने की हालत में। मेरा सवाल इसके आगे का था कि ये जो हॉकर्स वगैरह वो ये सभी वहाँ के पॉलिटिकल जो नगर सेवक उन्हें हफ्ता देते हैं, पुलिस को हफ्ता है, तो ये सर जब माइनॉरिटी करप्शन हेल्प लाइन चला रहे हैं तो इस संदर्भ में देखिए वो एक एक मिनट इसमें इसमें आप कर सकते हो, आप निश्चित रूप से कर सकते हो, मगर उसमें कोएर्शन नहीं होगा। कोएर्शन मतलब आप दबाओगे नहीं, आप अपील करोगे, मगर पुलिस वाले को दबाओगे, पुलिस वाले को बोलोगे आप तू हफ्ता नहीं लेगा, गाड़ी बंद करके गाड़ी गाड़ी रख के, और इन लोगों को रेगुलेट करना जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो वो तेरी जिम्मेदारी है, तू हफ्ता नहीं खाए। आजकल क्या हो गया है, जो पुलिस वाले हैं ना, अभी पुलिस वालों को आप जरा एक बार तेज आवाज में बोलो, अभी वो कायदे पे आने शुरू हुए हैं, आप थोड़ा कोशिश करके देखो। आप अभी वो जो ये जो ट्रैफिक हवलदार वगैरह खड़े होकर के जो हेवी व्हीकल से, अभी वो आप देखो ज्यादा करके टू व्हीलर वालों को और कार वालों को हैरान नहीं करेंगे, अभी वो कमर्शियल व्हीकल वालों को ही हैरान करते हैं क्योंकि उनसे पैसा मिलना आसान रहता है। ये ट्रेनिंग मैं तो कर दे सकता हूँ, मगर मेरा अभी इस समय वो ट्रेनिंग का स्कोप नहीं है। आपको उसकी ट्रेनिंग जो है वो आपके ग्रुप में से ही लोगों से लेनी पड़ेगी, आपके बीच में लोग हैं जो इस एक्टिविटी को जानते हैं और समझते हैं कि उसके लिए कौन सा फॉर्म लगता है। फॉर्म भरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ 2 कॉपीज में इशू होता है, दूसरा कॉपीज कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कभी इशू नहीं करेगा, सिर्फ 2 कॉपी देता है ओरिजिनल, उनको बोलते हैं ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद के निकलवा के आपको अटेस्ट करके और तैयार रखने पड़ेंगे, और उसको अप्लाई करने का एक फॉर्म होता है, उसको देने के लिए आमतौर से 7 दिन लगते हैं और उनकी एक फीस है, नॉमिनल फीस है, वो फीस देने के बाद में। और ये काम जो है जन्म मृत्यु कार्यालय के अंदर कंप्यूटर पे रजिस्टर होना जरूरी है, क्यों, उस रजिस्ट्रेशन से उसका जो वोटर कार्ड है वो कैंसिल किया जाता है। बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा मरे हुए लोगों के भी नाम वोटर लिस्ट के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट वही पैसा खा करके जो इशू करते हैं वो काम पूरा नहीं करते। श्रीवास्तव जी, आपने जितने भी अफसर अभी तक पकड़ा है जी, तो ये जानना चाहता हूँ कि आपका इसमें मतलब अभी तक कितने सरकारी अफसरों को सजा होगी। सर ऐसा है कि हमने आपको 10 अफसर हम लोगों ने करीब पकड़े गए हैं, पकड़े जाने के बाद कुछ 2 या 3 अरेस्ट हुए थे, बाकियों को चार्जशीट फाइल करने के लिए जो 90 डेज का मैंडेटरी टाइम मिलता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ, आपको 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है, और उस पीरियड में 10 के 10 जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। देखिए ये जो अल्टीमेट प्रोसेस होती है ना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकालने की, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट ये हमने जितना रोल प्ले करना था वो हमने कर दिया है, चार्जशीट भी फाइल हो गई है, फर्स्ट 3-4 केसेस में चार्जशीट फाइल हो गई है,
फर्दर एक्शन भी उनके ऊपर होगा। सर ऐसी नहीं करते, ऐसी नहीं करते, इसमें जो थ्रेटनिंग बॉयज आते हैं जब काम करने जाते हैं तो वो लोग धमकाती भी होंगे, डराती भी होंगी, इस चीज को कैसे टकेंगे आप? बहुत किसी में होगा जहाँ पर धमकी मिली होगी, डराया गया होगा। ठीक है सर, ऐसा है, अब मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के अंदर कोई डरने वाला बचा नहीं है, आती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एक केस के बारे में बोल सकता हूँ, राठौर पर केस के अंदर था, कुछ माफिया थे सेना के, उन लोगों ने जो लड़कियां चलती थी वहां से उनको परेशान करने का काम वो लोग करते थे। ये हेल्पलाइन का इशू नहीं है, मैं बता दूं स्पष्ट आपको, मगर हमारी दो तीन कार्यकर्ताओं ने आगे चल के इसका वो दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं सर हम इसको लेंगे, हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक, आपकी मर्जी है। तो हमारे मैनेजर ने डीसीपी को फोन किया और डीसीपी की मदद लेकर के जो लड़के गुंडे वहां पे बैठा करते थे रेगुलर बेसिस पे, उन लोगों को पुलिस ने आकर के एक बार नहीं तीन बार हटाया, तीन बार, मतलब हटने के बाद में भी वो लोग फिर आके वहां बैठ जाया करते। तो पुलिस वालों ने बोला कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम इनको अरेस्ट किस बात पे करें। आपको इस सब चीज के बारे में एक और ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसा कोई अगर मिलता है तो उसको स्टिंग करने को बोलिए, स्टिंग करके करने के बाद में आपका काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि स्टिंग कर लिया तो क्योंकि वो देखा अगर ठीक है लड़के बैठे हुए हैं हमको कुछ बोल तो रहे नहीं है, फिर आप मैं किस बेसिस पे कर लूं? आपने शिकायत की है कि ये छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बातें बोलते हैं, हम इनको हटा देते हैं। तो वो हटा दिया, फिर बैठे, फिर तीसरी बार जब हटा दिया उसके बाद वहां का जो सीनियर इंस्पेक्टर था उसने कहा अब इनमें से कोई दिखाई दिया तो मैं उसको सीधा घर से उठा के फिर लॉकअप पे डाल दूंगा और वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाया कम से कम 10 दिन। ऐसा उसने किया, तब जाकर के वो शांत हुआ मामला। तो ये थ्रेटनिंग कॉल वगैरह आना जो है वो रूटीन है, उन सब चीजों से तो आम आदमी पार्टी वाले बिल्कुल डरते नहीं है, और जो जो थ्रेट देता है वो उसमें बिल्कुल दम नहीं होता। बोले सर, जी जी, गवर्नमेंट सर्विस पर आपने प्रोविजन स्कूल की कोई बात की और आजकल वो मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि करप्शन कहाँ कहाँ है आप ही बताओ। डोनेशन में मान लीजिए मैडम का बच्चा है, ये जाए वहाँ एडमिशन कराने के लिए, वो 50,000 रुपये मांगे इनसे डोनेशन, तो क्या करेंगी ये? आप कुछ सोचिए, आदमी शिकायत तक नहीं करता किसी से, बोले अब मैंने तो पैसे दे दिए, बच्चे को एडमिशन करवा दिया, अब अगर मैंने शिकायत की तो मेरे बच्चे को हैरान करेंगे पीछे ही, कौन करेगा कंप्लेंट आपसे? ये इश्यूज आप यंगस्टर्स को इन टोटालिटी लेने चाहिए कि जो स्कूल्स हैं जो मोटा डोनेशन लेते हैं, जाइए जाके उनके प्रिंसिपल से मिलिए, उनको बोलिए आप ये गलत कर रहे, दिस इज नॉट फेयर, और अगर आप ऐसा करेंगे और हमें एक भी शिकायत मिल गई तो हम गवर्नमेंट में से कंप्लेंट करेंगे और फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको रोल प्ले करना है, इंडिविजुअल कोई नहीं आप आगे आ पाएगा, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है। जो वो खुद डरता है बेचारा, वो बोलता है शिकायत तो कर दी, ये पैसे तो वापस करेंगे नहीं, मेरे बच्चे को हैरान करेंगे खुद ही। कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जी, रेगुलर ब्राइब लेके लेते हैं जी जी, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो आपको फोन करेंगे। हाँ, ये इसीलिए मैंने कहा कि जो आदमी फोन कॉल लेता है वो विजडम वाला होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि ये फॉल्स कंप्लेनेंट है या हमें लपेटने के लिए फोन कर रहा है। नहीं, ऐसे भी मिलेंगे लोग, आप ट्रैक नहीं मिल रहा है करके वो करेक्ट है सर, बोला देखो उसको मिला मुझे नहीं मिला, ये इस तरह की चीजें आपके पास आएंगी। अभी बता जी की बात को आगे लेके जाती है, रजिस्टर्ड किए जाते हैं तो ये एंटी करप्शन का इशू होता है, जैसे आपने बोला कि लड़कियों को छेड़ने का इशू नहीं था, तो बेसिकली जो फोन उठा रहे हैं वो उनका कॉल होता है कि ये कंप्लेन फॉरवर्ड करे या नहीं करे, या वो टीम शू भेज देते हैं और टीम सिलेक्ट करके नहीं। देखिए सबसे पहले तो जो जिस आदमी ने फोन उठाया है उसको इस बात का निर्णय करना होगा कि ये हमारे डोमेन का मामला है या नहीं। जैसे हॉकर्स को हटवाना हमारे डोमेन में नहीं है, वो उसे हम अपने अपनी भ्रष्टाचार की हेल्पलाइन में काउंट नहीं करते, मगर फैक्ट ये है कि हॉकर्स के बारे में देयर हैज टू बी द पॉलिसी, देयर हैज टू बी ए प्लेस, मुंबई के अंदर जगह बनी हुई है कि भाई हॉकर्स में यहां बैठना चाहिए, मगर हॉकर्स वहां नहीं बैठते क्योंकि वहां कोई ग्राहक नहीं जाता,
हॉकर बैठते हैं रेलवे स्टेशन के ब्रिज के ऊपर, हॉकर बैठते हैं रेलवे स्टेशन के बॉटम में जहां से वो साफ उतरेंगे शाम को और भाजी लेकर के अपना स्कूटर गाड़ी उठा करके घर चले जाएंगे। वो बोलते हैं कि हम वहां बैठे जाएंगे तो हमारा धंधा ही नहीं चलेगा, हम क्या करने को जाए वहां। तो ये एक एक बड़ा डिस्प्यूट है। ये चीज जो है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो म्युनिसिपैलिटी है, दे हैव टू डिसाइड इन इन कोऑर्डिनेशन विद द पब्लिक ऑफ दैट एरिया। हॉकर्स पॉलिसी बीएमसी की है जिसमें वो रेसिडेंस फोरम को लेकर करते हैं, पर जैसे आपने बोला बहुत जगह पर वो अभी शुरू हो रही है, बहुत जगह पर वो जाती है, तो वो एंटी करप्शन का इश्यू नहीं है। तो वो हम लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे हम, बिल्कुल नहीं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे इश्यूज में हम अपने को ले डाले। और सर थ्री मोर बोलिए ना सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कॉल साथ, मतलब जब हम लोग हेल्पलाइन जारी करेंगे उसका कोई लीगल प्रोसेस होगा या हम लोग जैसे ऐसे जारी कर सकते हैं? इसका लीगल प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ अपनी हेल्पलाइन शुरू कर सकता है। आपने देखे होंगे बाहर बहुत सारे हेल्पलाइन के लगे रहते हैं, नशा छुड़वाने के लिए इस नंबर पर फोन करें या दहेज समस्या के लिए इस नंबर पर फोन करें। वो बहुत तरह के हेल्पलाइन जो है वो होते हैं, उनके लिए कोई लीगल सेंटिटी की जरूरत नहीं जब तक कोई आप कोई गलत काम ना कर रहे हो। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो पर्पज है, वो तो बहुत नोबल है, तो आपकी हेल्पलाइन को कोई अपोज नहीं करेगा। और इसके खिलाफ अभी तक कोई लीगल कंप्लेंट कम से कम हमें तो मुंबई में नहीं मिली। सर एक और छोटी सी चीज, ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई की है या महाराष्ट्र की है, एसीबी है, उसके उसके दायरे में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आते हैं? स्टेट एसीबी सिर्फ स्टेट एम्प्लॉयज को लेगी, सेंट्रल के लिए इट हैज टू गो टू सीबीएल, सेंट्रल इज कंट्रोल्ड बाय सीबीएल। सोशल ऑडिट ये सब आउट ऑफ सब्जेक्ट चीजें हैं, मतलब फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सोशल ऑडिट बेसिकली ये है कि एक पर्टिकुलर वार्ड के अंदर मान लीजिए एक रोड बनाने का ऐसा दिया गया, ये कहा गया कि यहाँ पे 1 किलोमीटर की रोड बनाओ और उसके लिए 10 लाख रुपए का एक टेंडर जो है वो पास किया गया और उस आदमी ने ठेकेदार ने बना दिया। उस कॉन्क्रीट रोड के अंदर 6 इंच का कॉन्क्रीट का विड्थ होना चाहिए एज पर स्पेसिफिकेशन जो लिख के दिया गया कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ठेकेदार ने पैसे बचाने के लिए वो विड्थ सिर्फ 4 इंच की रखी और उसके नीचे वो अस्फाल्ट और डामर डाल करके उसने उसको पैकअप कर दिया। सोशल ऑडिट के अंदर आपको अपने एरिया में होने वाली आपके टैक्स के पैसे से हुई हर एक्टिविटी का ऑडिट करने का अधिकार है और आप उस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। ये एमएलए क्या करते हैं, जो इनके फंड होते हैं 2 करोड़ रुपए साल के, 2 करोड़ रुपए पर ईयर का जिनको फंड मिलता है, ये क्या करते हैं, दिखाते हैं हमने 50 शौचालय बना दिए, वो शौचालय बनता है 1 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में, ये 10 लाख रुपए के हिसाब से उसके पैसे बराबर करते हैं। तो somebody has to put up an RTI and ask for it। या तो RTI डालिए या लेटर डालिए डिपार्टमेंट के पास में कि आपने क्या काम किया है। आप करप्शन को इसलिए मैं बोलता हूं, करप्शन वहीं से शुरू हो जाता है जैसे ही आप अपने घर से बाहर पैर निकालते हैं। आप जिस एक्टिविटी के ऊपर अपनी आंख डालेंगे, आप विश्वास करिए आपको उसके अंदर भ्रष्टाचार मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको वो जो पहले आप उसको बोलिए कि ये रोड जो बनी है इसका जो पेमेंट हुआ है वो आप मुझे पूरे कागज दीजिए कि आपने कितने इंच विड्थ का कॉन्क्रीट रोड बनाया था, या अस्फाल्ट अगर बनाया था तो अस्फाल्ट पे कितनी विड्थ बनाने के लिए बोला था। ये सड़कें आए दिन टूट क्यों जाती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं होते हैं। उनके ऊपर जो अस्फाल्ट है उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के बाद ही ले आउट करना चाहिए, ये लोग उसको लकड़ी जला करके नीचे से 100 डिग्री के ऊपर ही उसको फैला देते हैं और ऊपर से बजरी डाल देते हैं। आपको दिखता है बाहर सब नई रोड बन गई है यहाँ, और जैसे ही उसके ऊपर हेवी व्हीकल का टायर पानी के साथ 10 राउंड मारता है उसमें आपको बड़े बड़े पॉट होल नजर आते हैं। तो डोंट फॉलो द स्पेसिफिकेशन, अगर वो स्पेसिफिकेशन फॉलो करेंगे तो जो रिश्वत देकर के आए हैं वो पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर म्युनिसिपैलिटी वाले या गवर्नमेंट वाले पीडब्ल्यूडी वाले कम से कम 50% तक कर रहे हैं, तो वो उनको पैसा नहीं मिलेगा अगर वो ईमानदारी से पैसा खर्च करेगा रोड बनाने में। हर साल वापस बननी चाहिए, हर साल। तो फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको एक टोल मालूम है ना, एक
टोल पे सबसे पहला फूट खोलता है। ये टोल जो है ये पब्लिक को स्क्वीज करने का एक नोबल रास्ता निकाला है। तो बोलते इसमें गलत क्या है, पब्लिक ऐसे जवाब देती है तो गलत क्या है, उस प्राइवेट आदमी ने पैसे लगाए हैं, रोड बनाई है तो वो पैसे तो वसूले गए उसमें से, तो तुम एक टैक्स देते हो जो रोड टैक्स और दुनिया भर के टैक्स भरते हो साल भर जिंदगी भर, वो कहां जाते हैं, वो तो हॉस्पिटल की तलाश में जाते हैं। तो टोल रोड कहां से बनेगी फिर, इज रॉन्ग इनकरेक्ट, ये सरकार का काम है। आपको मालूम है अरविंद ने अपनी कॉलोनी के अंदर वहां पर जाकर के जो एक कॉलोनी थी उसमें बोला था कि मेरे पास आप लोगों के लिए 50 लाख रुपए हैं, आप लोगों को क्या क्या काम करवाने हैं मुझे बताइए। लोगों ने कहा सर ये लाइट टूटी हुई है, सर ये जो सुलभ टॉयलेट है जनरल इसमें दरवाजे नहीं है, यहां लाइट नहीं वहां नहीं, सारे काम करके भी 5.5 लाख रुपए खर्च में। बोले अरविंद बताओ बचेगा, बताओ क्या करना है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी नियत और भ्रष्टाचार की। ऐसी ही रोड पकड़ी जो आप बता रहे हैं, उसने ठेकेदार ने बोला मैंने यहाँ पे 4 सड़कें बनाई थी इस कॉलोनी के अंदर, और उन 4 सड़कों में से सिर्फ एक सड़क मैंने 6 इंच की बनाई थी जो मैंने इंस्पेक्शन में दिखा दी, बाकी सब सड़कें मैंने 4 इंच की बनाई थी। तो अरविंद ने उस ठेकेदार को पब्लिक के सामने किया, बोलो भाई इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो पब्लिक ने कहा मार दोगे तो फिर आगे भी क्या करेगा, ये क्या फायदा, इसका परिवार खराब होगा। इसको उसने आ भरी जनता के सामने कि मैं वो बाकी तीनों सड़कों को तोड़ करके 6 इंच विड्थ की कॉन्क्रीट की सड़कें यहां पे बना करके दूंगा। पकड़िए आपके अड़ोस पड़ोस में सब हो रहा है, कहीं दूर नहीं हो रहा, और आपने 2 या 4 केस ऐसे पकड़ लिए, लोग नींद हो जाएगी पर बैठे लोगों की जो 50% कमीशन खा रहे थे, ताकत लगेगी थोड़ी सी, मतलब ये सब काम करने का यही टाइम है। अभी चुनाव दूर है, अभी हमारे पास खुला मैदान है, बिल्कुल मोहल्ला कमेटी नगर राज बिल हमारे मैन जी ने ड्राफ्ट किया था, मैं पूरा मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। हाँ सर, मैं बना के रखा है, ये मुद्दे अगर हम करेंगे तो रिक्शा वाला भी अपने आम आदमी पार्टी से जुड़ेगा। पहला मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके ऑटो रिक्शा के परमिट भी है और वो सर्विस में भी, और मैं कुछ 20 साल से ऑटो रिक्शा चला तो मेरा अभी तक परमिट नहीं हुआ। आरटीओ ने ऐसी शर्त लगाई 10वीं के बाद जो 10वीं पढ़ा हुआ है उसमें वो परमिट मिल सकता है, यानी जो रिजेक्ट परमिट गए उसको परमिट मिले। अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट की जो परमिट है अभी भी कम से कम 15 से 20 हजार परमिट गवर्नमेंट सर्वेंट के है, पकड़वाने का वो पकड़वाने के लिए कैसा क्या करना, पकड़वाने के लिए कैसा पकड़वा जितने ऑटो रिक्शा चलते हैं ना इनमें से सिर्फ 1/3 है जो इनके पास में ओरिजिनल लाइसेंस है ऑटो रिक्शा चलाने का, बाकी सब जेरोक्स कॉपी बनवा करके सेठ से लेकर के उसके ऊपर ऑटो रिक्शा चलाते। देखिए खराब शिकायतें क्या है, शिकायतें कि मीटर के अंदर मैंने टेम्परिंग करते हैं, बिना मीटर के चलते हैं, दूर का डिस्टेंस पास का डिस्टेंस ले जाने के लिए हानि भरते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में जाने की सवारी लेते हैं, ये सब शिकायतें हैं। मगर इनकी भी तकलीफें हैं, इनकी तकलीफें हम लोगों ने मुंबई के अंदर हल करने की कोशिश की है। आप लोगों का जब मीटर का कैलिब्रेशन होता है उसके अंदर ये लोग बहुत ईश्वर खाते हैं, आपका जो मीटर ठीक करने का जो है रिकैलिब्रेशन उसमें बहुत पैसे खाते हैं, इनसे सब ट्रैफिक हवलदार जो है वो इन लोगों को हैरान करते हैं। इस तरह की चीजों को देख करके बहुत से ऑटो रिक्शा वाले जो है वो हमारे साथ वहां पे जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं इनका मैं इनके बारे में मैंने कहा था, मैंने कहा देखो आप में से कोई भी अगर डॉक्टर हो प्लीज तो डॉक्टर है एक हेल्थ चेक का कैंप लगवा दीजिए, और हेल्थ चेक का कैंप लंग फंक्शन टेस्ट का करवाइए, LFT का। लंग फंक्शन टेस्ट के शिकार दो वैरायटी के लोग होते हैं, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले और दूसरे ट्रैफिक कांस्टेबल। कोई ट्रैफिक कांस्टेबल आपने मास्क लगा नहीं देखे होंगे, मुश्किल से 100 में से 2 लगाते होंगे शायद, और इन सबको लंग्स की सीरियस प्रॉब्लम होती है। इनका चेकअप करिए, आप दोनों की आपको गुडविल मिलेगी और दोनों का आपको एक अच्छा आपका एक संपर्क बनेगा।
ये एक पर्टिकुलर टेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लंग फंक्शन टेस्ट। वो किसी भी क्लिनिक से मशीन एक दिन के लिए भाड़े पे दे दीजिए या यूआर डोनेशन में मांग लीजिए उनसे, बोलिए हमको एलएफटी करने का है और इनको उसके लिए करके टेस्ट, उनको दवाएं सजेस्ट कर दीजिए, ये बहुत आपके काम आए। और उससे आपकी जो ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स हैं उनमें आपकी इमेज बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि पुलिस वाले कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आदमी को इस्तेमाल करते हैं, क्या आदमी नहीं होता, वो एक मशीन होती है। इतने संतरी हमारे घर पे लगा दो, इतने वीआईपी ड्यूटी में लगा दो, इतने यहाँ पे लगा दो, और उसके अलावा वो पुलिस वाले को आदमी भी नहीं समझते, ऐसी हालत है उनके सुनकर। तो ये ट्रैफिक के लोग जो है इनके लिए अगर आप ये दो काम करेंगे तो आपका बहुत यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। बोलिए सर। सर आपके जब बोला मुंबई में ऐसे ऑब्जर्वेशन कर रहा हो, आपके मुंबई में छूटे पैसे की कोई मतलब शॉपकीपर्स छूटे पैसे देते थे, मतलब 17 रुपए की थी, जो आपने 20 रुपए दी तो 3 रुपए की इतने साथ दे, 3 रुपए चेंज नहीं देते, वही टाइप का करप्शन नहीं होती, मतलब मतलब वो 3 रुपए जो मिल रहे हैं वो मिलते नहीं, ये ऐसे बहुत सभी लड़ी होती है, टोल पे भी होता है, लड़िए सर लड़िए। और लड़ना है सही माने में तो एमआरपी पे लड़िए, जो एमआरपी से ऊपर सामान रेट के ऊपर बेचते हैं उन लोगों पे लड़िए। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत एक्टिवेट हो गया है मुंबई का भी, दाम से ऊपर कीमत वसूलने वाले का एक शिकायत करिए सीधा उसका लाइसेंस जाएगा दुकान का, इतना सख्त है। संजय पांडे करके एक आईपीएस है वो आजकल उसको एड कर रहे हैं, और जब से वो आए हैं तब से उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है, बिल्कुल एक एक गलत आदमी मिल जाता है, पहले झगड़े लीजिए पहले। लीगल मेट्रोलॉजी पार्ट माप विभाग जिसको बोलते हैं ना, वो डिपार्टमेंट जो करके 18 रुपए बोतल पे लेकर के 20 रुपए की वो बिस्लरी बेचते हैं, वो टाइप का। और भी चीजें हैं एमआरपी से ऊपर रेट मिलती है, स्टेंट आपके देखे होंगे हार्ट पे लगाने के स्टेंट जो होते हैं वो 20,000 रुपए का स्टेंट 1.5 लाख रुपए का बेच रहे हैं, वो ऐसे मरीजों को लूट रहे थे वहां पे, खिलाफ शिकायतें हुई या पकड़े गए हैं। जी सर हेल्पलाइन के बारे में सवाल था कि आपने बोला कि जो भी कॉल आता है कंप्लेन आती है तो 2 या 3 लोग साथ होना जरूरी है, हाँ। तो अगर कोई अभी ऑफिस जाने वाले कार्यकर्ता है बिजनेस वाले लोग तो 3 लोग जब एक साथ नहीं आ सकते तो डिले होता है और कैसे मैनेज करते हैं? सर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव वाले कॉन कॉल के ऊपर 15-15 आदमी बात करते हैं एक साथ, मोबाइल की कॉन कॉल पे ले लीजिए, भाई को साथ पे ले लीजिए, इनको साथ पे ले लीजिए, बोले यार तुम लोग कॉल पे रहना, जो मैं बोलूंगा तुम भी सुनोगे, जो वो बोलेगा वो भी तुम सुन लोगे, क्या प्रॉब्लम है सर? टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करिए, आपके लिए ही है वो। इसमें रिकॉर्डिंग होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग करने का कुछ हमने रिकॉर्ड आना जरूरी है, जो भाई ऑपरेटर है वो रिकॉर्ड दे देगा इस नंबर से इस वक्त पे कॉल आई और इतने सेकंड इतने मिनट तक बात हुई। तो ये स्पेसिफिक जो एरिया सर स्टिकर्स थे मैंने दे दिए हैं वो, और ये सर पूरा ये प्रेजेंटेशन है जो मेरे पास है अभी सर, अगर वो चाहेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए। आप आईडी देंगे ईमेल आईडी दीजिए ना भेज दीजिए। स्पेसिफिक जो ये एरिया है आम आदमी पार्टी की तरफ से हम गवर्नमेंट की किस तरफ डेटा को प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करा सकते हैं, जैसे अभी इंग्लिश में बहुत सारे रोड बंद है, अभी क्या होता है अगर कोई नगर सेवक का रिलेटिव है या कोई किसी बिल्डर का ऑफिस है तो प्लान तो होता है लेकिन उसको बचाने के लिए और 10-12 गरीबों के घर तोड़ के रोड टेढ़ा बनाया जाता है और गवर्नमेंट ऑफिस से वो डेटा गरीबों को मिलता नहीं है तो इंडिविजुअल रोड पे अड़के डाल के वो पूरा डेटा निकालते हैं। सिटी से वैसे डेटा निकालना थोड़ा टीडियस टास्क है तो हम एक एक सिटी का ऐसा डेटा निकाल के लोगों को अवेलेबल करवा सकते हैं। आप जितना एजुकेट कर सकते हैं पब्लिक को करिए और अपने नाम से करिए, मतलब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने ये डेटा निकाला है दीजिए पब्लिक को दीजिए, आरटीआई से मिली इन्फॉर्मेशन इज इन पब्लिक डोमेन, इट इज डीम्ड टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, उसमें कोई उसमें कॉम्पिटिशन एडमिशन भी नहीं है। हाँ आप क्या बोलेंगे? सर मैं आप बैठ जाइए, मैं बॉम्बे जा रही थी तो लाइन बहुत
वो मुंबई आप कर रही है? नहीं नहीं, गुना में भी है। तो जब मैंने उसे टिकट लेने लगा तो उसने मुझे बोला 5 रुपए। टिकट मेरा 90 का, तो बोला 95। मुझे लगा शायद बढ़ गया है, तो मैंने उसको बोला इसका तो 1 रुपये है। मैं बोलता हूँ टिकट ही नहीं देना आपको। ये क्या करना है सर? तुरंत रेलवे स्टेशन में जाइए, वहां पर स्टेशन मैनेजर होगा, उसके बाद में उस आदमी का नाम लिख करके लिखित शिकायत करिए, समय दे करके इस समय पे मैंने इसके लिए टिकट मांगा था। और ऐसा कभी करे ना तो इसी मोबाइल के अंदर उस टिकट का फोटो निकाल लीजिए। कभी भी मिल जाए ना ऐसा, मगर आपको समय लगेगा क्योंकि आप तो अभी जल्दी में गाड़ी पकड़ने के, अब इतने काम आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस करिए। और वहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे टिकटों के लिए आजकल कितनी मारा मारी है, थोड़ा लाइन से बाहर बोलो। सर अभी हर जगह लोकल स्टेशन पे भी ये बनाया हुआ है, आजकल दुकानों में भी ये हो रहा है कि आप लोग टिकट हासिल कर लेते हैं। मैं मेरे पास 10 मिनट और है, मैं बहुत क्लैरिटी पे इसको खत्म कर दूंगा। अभी मेरा मतलब हेल्पलाइन की बातें हो गई हैं सारी, अभी हम जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप बोलिए।